हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DK Vlogs में आपका स्वागत है। ठीक है, 30BR-C3 मॉडल है, ये लेटेस्ट मॉडल है। इसका जो है इंस्टॉलेशन आपको हम बता रहे हैं। ये इसका डिस्प्ले है, यहाँ पे सारे बटन दिए हुए हैं। नीचे आपका 10 मिनट, 1 मिनट और सेकंड दिया हुआ है, 1 सेकंड। बाकी जो कि भी आप बटन दबाएंगे उसके बारे में सब बता रहे हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, कोई भी हमने कोई खाली नहीं चलता है कभी भी। आप चालू कर दिए, कुछ भी खाली नहीं चलता है, कुछ भी करना है। पहले आप माइक्रो प्लग लगाने के बाद, जैसे 1 कप चाय आपको कुछ गर्म करना है तो आप ये रखेंगे, रखने के बाद आप यहाँ से ये दबा देंगे एक बार। ये एक बार में 30 सेकंड होगा, 2 बार 3 बार करेंगे, टाइम बढ़ता जाएगा। इस वजह से बंद तो अपने आप हो जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ गया तो बढ़ गया। आप बीच में खोल सकते हैं, कोई चीज़ आपको लग रहा है कि गर्म हो गया तो खोल सकते हैं और वहीं पे फिर बात करेंगे, तब स्टार्ट फिर से दबाना होगा, तब चालू होगा। ठीक है, हाँ, इस तरह से आप इसमें खाना गर्म कर सकते हैं। बर्तन पहली बार माइक्रोवेव में बर्तन आप जो है प्लास्टिक, बोरोसिल, चीनी मिट्टी के बर्तन है। माइक्रो है, ग्रिल है, कन्वेक्शन है। ठीक, कन्वेक्शन बेकरी आइटम बनते हैं, ग्रिल पे आप जो है कोई चीज़ क्रिस्पी कर सकते हैं। इस तरह केक कन्वेक्शन बनेगा, बेकरी आइटम है ना, इसलिए माइक्रोवेव पे आप पका सकते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं। तो ये माइक्रोवेव का काम हुआ, माइक्रोवेव गर्म करना। अब माइक्रोवेव पे जैसे गर्म करने के लिए हमने बताया, डायरेक्ट रखा, स्टार्ट दबा दिया। अगर आप पकाना है, जितना भी पकाने काम होगा तो वो सब पकाने काम माइक्रोवेव पे होगा। बर्तन वही रखने हैं, प्लास्टिक, बोरोसिल, चीनी मिट्टी के। तो आप जैसे कुछ पकाना है उस जगह पे आप ये कैंसिल करेंगे, तब आप दबाएंगे माइक्रो पावर लेवल, ये दबाएंगे। ठीक है, फिर हमें जैसे चावल पकाना है, 100 से 150 ग्राम चावल रखेंगे और रखने के बाद बाउल आधा खाली रहना चाहिए। पकाना है तो बाउल आधी खाली रखनी है, पूरा भर के नहीं रखना है, वरना बह के बाहर आ जाएगा। फिर हम टाइम देंगे यहाँ से, ये 10-10 मिनट करके बढ़ेगा 9 बार, 1-1 करके 9 बार बढ़ेगा, ये सेकंड है। तो 10 यहाँ से कर देंगे, 1-1 करके हम 8, चावल कितने में बनता है, 16-17 मिनट में लगभग बनेगा। अगर आप ढक्कन रखेंगे एयर क्रॉस वाला, तो जैसे एयर क्रॉस वाला आपका है तो आप 16 मिनट बन जाएगा, एयर क्रॉस वाला नहीं है तो आप ढक्कन नहीं रखेंगे तो 20 मिनट लगेगा। टाइम देने के बाद अब स्टार्ट कर देंगे। और ये आपका रखा है, ये माइक्रोवेव का सिंबल है, इसको पहचान लीजिए। सिंबल अगर अकेला है तो आपको बर्तन प्लास्टिक, बहुत से चीनी मिट्टी के ही रखना है। ठीक है, तो इसे पकाने काम आपका माइक्रोवेव पे ही होगा। अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो इसे मिनट वाला तो लग नहीं रहा है, ये लगेगा 30 सेकंड, 16 मिनट यहाँ से लगेगा। देखिए, पहले ये दबाएंगे, फिर यहाँ से ये 10 दबाएंगे, 10-10 करके 9 बार बढ़ेगा, 90 मिनट तक चलेगा। 1-1 करके 9 बार बढ़ेगा। अब यहाँ करेंगे 1-1 करके, ये 16 मिनट हो गया, अब स्टार्ट दबा देंगे, इस तरह से होगा। ठीक है, तो वह पकाने का काम, ठीक, गर्म करने का। अब दूसरा फंक्शन ग्रिल का होता है, सब्जी वगैरह इसमें बन जाएगा। पकाने का काम हम आपको बता चुके ना, माइक्रोवेव पे होगा, कुछ भी पकाएं, रोटी दाल छोड़ के सब पकेगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको ग्रिल करना है, ग्रिल का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे समोसा बाजार से लाए हैं, बैटरीज लाए हैं, उन चीज़ों को क्रिस्पी करना है तो वो आप ग्रिल पे करेंगे, मतलब कुरकुरा करना है। माइक्रोवेव भी गर्म तो होगा 30 सेकंड में, लेकिन मुलायम हो जाएगा। अब जो चीज़ क्रिस्पी चाहते हैं तो ग्रिल पे करेंगे। ग्रिल पे करने के लिए ये जाली रखेंगे। ग्रिल फंक्शन पे कोई भी प्लास्टिक के बर्तन नहीं रखे जाएंगे, मेटल रखिए, बोरोसिल रखिए, चीनी मिट्टी रखी जा सकती है। अब यहाँ पे हम समोसे रख देंगे इसके ऊपर, रखने के बाद में या घर की दाल मोट नम हो गई, बिस्किट नम हो गए तो स्टील की प्लेट पर रख सकते हैं। सब कुछ जो कुरकुरा खाना है वो आप जो है स्टील के बर्तन में रखेंगे, कोई भी प्लास्टिक का बर्तन ग्रिल पे नहीं रखा जाएगा। ठीक है, रखने के बाद हम यहाँ से दबाएंगे अब ग्रिल, ग्रिल पे प्लास्टिक बर्तन नहीं रखे जाएंगे। हाँ, ग्रिल लिख के आएगा, ये सिंबल ग्रिल का है, पहले माइक्रोवेव दिखा दे, ग्रिल लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम टाइम दे देंगे लगभग 6 से 7 मिनट, अब स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा जो भी सामान होगा वो धीरे धीरे कुरकुरा होगा, लेकिन जब आधा टाइम बीत जाए लगभग 3-3.5 मिनट तो डोर खोल के उस सामान को आप पलट देंगे। समोसा है पलट दिए, दाल मोट है चम्मच से चला दीजिए, चलाने के बाद वही टाइम रुका रहेगा, फिर से स्टार्ट कर दिए, आगे हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, इस तरह से ये काम होगा क्रिस्पी करने के लिए ग्रिल। ये तो हुआ ग्रिल फंक्शन।
अब ये दो जाली दी गई, इस पे ऊंचा सामान आएगा, इस पे छोटा आएगा, ज्यादा ऊंचा सामान छोटे में रखो। अब तीसरा फंक्शन है कन्वेक्शन का, बेकरी आइटम। बेकरी आइटम के लिए आपको जैसे कि बिस्किट नान कढ़ाई बनानी तो इस पे बनेगा, अगर केक बनाना है तो अल्मोनियम का बाउल खरीदना होगा, केक नहीं ये कंटेनर आता है, हाँ वही हो, ये भगोने में नहीं बनेगा, वो इतना ही ऊंचा होना चाहिए। तो कम से कम 350 ग्राम बन सकता है, अधिक से अधिक 475 ग्राम। तो आप 350 ग्राम की रेसिपी तैयार करके यहाँ रख लेंगे बाहर पहले, रखने के बाद आप जो पहले पूछे थे प्री हीट कैसे होगा, तो आप देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कन्वेक्शन बेकरी आइटम बनते हैं, ये दबाएंगे 110 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिख रहा है, और इसी को दबाएंगे 180 भी आ जाएगा, ठीक 180 भी प्री हीट होता है ना। हाँ प्री हीट ही करने जा रहे हैं, स्टार्ट दबा देंगे ये प्री हीट होना शुरू हो गया, जब ये प्री हीट हो जाएगा ये कन्वेक्शन का सिंबल आ जाएगा, देगा अलार्म देगा, टूट 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 बोलेगा, ये आपका जो है ये कन्वेक्शन का सिंबल है। और इसी तरह से जब ये पूरा टाइम इसके अंदर होता है 6-7 मिनट के अंदर, जब ये लगा आधा घंटे के लिए ऑटो पे, लेकिन जब आपका हो जाएगा तो ये बिप करेगा, टेट टेट बार बार बोलेगा, जब बोलेगा तो आप डोर खोल दोगे, ठीक। खोलने के बाद आपका केक कबाब तैयार है, यहाँ से रख दोगे, और रखने के बाद यहाँ से आप दबाओगे फिर से कन्वेक्शन पकाने के लिए, ठीक है 180 करेंगे। अब टाइम देंगे 350 ग्राम के लिए 35 मिनट का टाइम देंगे हम यहाँ से, ठीक। अब स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से हमारा केक पकेगा, केक पक रहा हो 25 मिनट चल जाए, लास्ट का 10 मिनट रह जाए, तो एक बार आप डोर खोलोगे उसमें चाकू डिप करके देखोगे, अगर उंगली में चाकू चिपक रहा है तो आपका केक नहीं पका है, वापस फिर से स्टार्ट कर दोगे, अगर सूखा निकले तो पक गया है। तो इस तरह से आपका केक पकेगा। ये तो नॉर्मल 3 फंक्शन हुए, माइक्रो ग्रिल कन्वेक्शन। अब एक चौथा फंक्शन है रोटिसरी का, अगर आप पनीर टिक्का रोस्टेड मुर्गा ये सब खाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सलाई दी गई है। इसमें कम से कम आधा किलो मटेरियल लगाएंगे, और लगाने के बाद ये आप इसके अंदर ये रखेंगे, ये नोटिस, ठीक। रखने के बाद फिर आप यहाँ से दबाएंगे इसमें, ये ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो इससे आप दबाएंगे तो ये आपका जो है ये कॉम्बिनेशन में चलता है, ठीक है, मतलब माइक्रो ग्रिल कन्वेक्शन, तीनों देखिए बटन दिख रहे हैं ना, टर्निंग होगा यहाँ पे आपका, ये आपका टेम्परेचर है 200 डिग्री कर दीजिए यहाँ से, और 30 मिनट का टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह से आपके तीनों फंक्शन चलेंगे और धीरे धीरे घूमेगा, देखिए माइक्रो भी चल रहा है, कन्वेक्शन भी चल रहा है, और टर्निंग भी हो रहा है, तो बीच में दोनों चलेंगे, देखिए वो चलने लगा, तो इस तरह से वो चीज़ आपकी पक जाएगी। बीच में आप एक बार चेक करके देख लीजिए, तैयार है तो निकाल लें, वरना स्टार्ट कर देंगे फिर से आगे चल, खोला जैसे चेक किया नहीं है तो फिर से स्टार्ट कर दिया, और वो धीरे धीरे देखिए रोटेट हो रहा है, घूम घूम के पकेगा, ठीक है। इस तरह से ये आपको ये 4 फंक्शन आपको ये इस्तेमाल करने हैं। और इसको निकालने के लिए वैसे तो अभी हमने हाथ से छू लिया, हाथ से नहीं निकालना है, ये पूरा जल रहा होगा जब आधा घंटे चलेगा, तो ये निकालने के लिए इसका ये टूल्स दिया हुआ है, तो इस तरह से इसको आप निकाल लेंगे। और बॉस वगैरह ये सब चावल वगैरह बनाए इसको कैसे निकालेंगे? वो तो हाथ से निकालेंगे, आप कपड़े डाल के निकालिए, आप वो तो आप अपना हाथ इस पर भी तो हाथ बचा के ही निकालते हैं, वो तो अपना सेफ्टी के लिए, वो तो आप जो रखे हैं उसके लिए है। ये तो नॉर्मल एक तरीका चलाने के लिए, यहाँ पे कुछ ऑटो मीनू भी दिए हुए हैं, ये आपका क्विक ब्रेज दिया हुआ है 1-2-3 करके स्टार्ट कर देंगे, ये आपका माइक्रोवेव चल रहा है इसमें, ठीक है, मतलब जैसे कि दो वजन, लेकिन यहाँ पे जितना है सब वजन का खेल है, वजन आप देंगे तभी काम करेगा। ये क्विक स्टार्ट है, जैसे ये आप दबा के स्टार्ट कर देंगे तो 200 ग्राम वजन आपको रखना है, तो इस तरह से आपका ये काम करेगा। इसी तरह से यहाँ पे केक है, ये 475 ग्राम बनेगा, और इससे ना कम बनेगा ना ज़्यादा बनेगा, स्टार्ट कर दिए 45 मिनट ले लेगा, तो ये ऑटो पे है, आप वजन सही रखेंगे तो सही काम करेगा, वरना जो है या तो जल सकता है या कच्चा रह सकता है, ये चीज़ है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है फूड डिजर्ट, ये भी 200 ग्राम स्टार्ट कर दिए, ये वही चीज़ है, मतलब आपका ये गर्म करने के लिए है 200 ग्राम, ये देखिए वजन बढ़ रहा है, जितना आप ये चावल वावल जैसे पकाना चाहें 600 ग्राम तक बना सकते हैं, और स्टार्ट कर देंगे अपने आप टाइम ले लेगा ये, ठीक है। ये डिफ्रॉस्ट दिया हुआ है, फ्रिज में जो चीज़ें आपकी जम गई हैं उनके लिए, ये देखिए जितना आप
देंगे, वजन है ये जितने ग्राम आपका सामान है, करने के बाद स्टार्ट कर दिया, अपने आप टाइम ले लेगा, वो चीज़ आपकी नॉर्मल हो जाएगी, फ्रिज में जो जमी रखी है वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वजन का ही खेल है, जितना वजन का है उतना ही रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, कम ज़्यादा हो जाए भाई, अब जो भी करें ये हम कैसे कह दें, जो इसमें दिया हम वही बता सकते हैं ना। ये पिज़्ज़ा है जैसे बनाना है डायरेक्ट, तो पिज़्ज़ा आप इस ऊँची वाली जाली पर रखिएगा, जैसे बाजार से ब्रेडी पिज़्ज़ा आता है उसको आप लगा के सब्जी भी पूरा तैयार करके रख देंगे, तो 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम, 450 ग्राम तक का वजन आप अंदाज के रख देंगे, स्टार्ट कर देंगे, अपने आप टाइम ले लेगा। तो यहाँ सारा ऑटो मेन्यू है, इस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। बाकी आपको ना समझ में आए तो मेरे को फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा कि ये आपका डेमो हुआ।